हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आई टी इंफोटेक। हुनर है तो कदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट रायपुर एवं कोरबा के लिए ये हमारी पांचवी वीडियो है। इससे पहले हमने चार वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो जरूर देखें ताकि आपका भविष्य बन सके, आपको रोजगारमुखी कोर्स का लाभ उठा सके। चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं योजना अंतर्गत उद्यमिता व्यवसाय में रुचि रखने वाले व मौजूदा उद्यमिता व्यवसायियों हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार हेतु निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021-22। ठीक है, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भारत सरकार का उपक्रम है। इसके माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हब योजना अंतर्गत सीपेट रायपुर द्वारा प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निःशुल्क रोजगारमुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ सुनिश्चित है। इसके लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम में योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें पाठ्यक्रम है मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग, जो कि 6 माह का है। इसके लिए RT पास चाहिए और इस नंबर पर आप संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। उम्मीदवार की आयु, प्रशिक्षण प्रारंभ होने की दिन न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। प्रशिक्षण आवास एवं भोजन, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सामग्री आवास भोजन निःशुल्क आपको प्रदान की जाएगी। उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं उद्यमिता व्यवसाय में रुचि रखने वाले अथवा मौजूदा उद्यमी व्यवसायी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के आकांक्षात्मक जिला जैसे कि कोरबा, महासमुंद, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, राजनांदगांव एवं सुकमा जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैसे होगा, तो उम्मीदवार का चयन योग्यता काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु आने पर किसी प्रकार का TLA यात्रा भत्ता नहीं। काउंसलिंग के समय आपको मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन नीचे दिए गए प्रारूप में समस्त दस्तावेज की प्रति जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक सूची, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिचय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उद्यमी का प्रमाण पत्र यदि हो तो निवास प्रमाण पत्र, सीपेट रायपुर के ऊपर उल्लेखित पते पर ईमेल जो दिया गया यहाँ देख सकते हैं, इस ईमेल पर आप भेज सकते हैं। काउंसलिंग स्थान आपका सीपेट रायपुर में होगा। सीपेट बिना किसी कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के उपरांत देश के विभिन्न प्लास्टिक कंपनी में रोजगार दिया जाएगा। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की संभावित होने की तिथि 2nd week May 2022 में आवेदन पत्र का प्रारूप सीपेट रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को प्लास्टिक उत्पाद बनाने की तकनीक, कच्चा माल एवं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षार्थी विभिन्न प्लास्टिक इंडस्ट्री में रोजगार एवं स्वरोजगार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके ज़्यादा अधिक जानकारी ले सकते हैं। कोर्स SC ST वालों के लिए है और ख़ासकर उन जिलों के लिए जो कोरबा, महासमुंद, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, राजनांदगांव एवं सुकमा जिले में निवास करते हैं, उसी के लिए ये प्राथमिकता दी गई है। और ये कोर्स मात्र 6 माह का है। 8वीं पास इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये सीपेट पर 5वां वीडियो है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। अगर आप 8वीं पास है और बेरोजगार है तो ये कोर्स जल्दी करिए। कोर्स करने के बाद आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं या आपको कोई ना कोई प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब मिल सकता है।